आज उत्तरा बहुगुणा को सब लोग जानते हैं। जानने की वजह यह है कि उत्तरा बहुगुणा को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निलंबित कर दिया है। वजह यह है कि उत्तरा बहुगुणा ने मुख्यमंत्री के साथ बदतमीजी की। मामला बहुत तुल पकड़ लिया है, लेकिन शायद जो आवाज उठा रहे हैं वो ये नहीं जानते कि मुख्यमंत्री का पद भी गरिमामयी होता है। मुख्यमंत्री से भी बात करने की तमीज होती है। मुख्यमंत्री के लिए भी एक खास लहजा इस्तेमाल होना चाहिए। उत्तरा बहुगुणा ने सीमा पार कर दिया, मुख्यमंत्री के सामने अनाप शनाप बोलने लगी। तो भला बताइए कि कैसे मुख्यमंत्री यह सब सुनता रहता। आखिर वह भी एक सूबे का मुख्यमंत्री है, उसको भी अपने पद का ख्याल है। सिर्फ यही नहीं, अगर उत्तरा बहुगुणा के इतिहास पर नजर डाले तो शुरुआत से ही उत्तरा बड़बोली किस्म की है। इससे पहले वो हरीश रावत के साथ भी इसी प्रकार से बात की थी, लेकिन इस मामले को सुलझा लिया गया था। सिर्फ हरीश रावत ही नहीं, बल्कि उन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया था। तो यह कहना कि उत्तरा बहुगुणा निर्दोष है, ये कितना सही है? क्या उत्तरा बहुगुणा ने जो किया वह सही था? क्या ऐसा मुख्यमंत्री के साथ होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री को गुस्सा नहीं आ सकता है? गुस्सा एक आम आदमी को आना स्वाभाविक है, और मुख्यमंत्री भी आम इंसान ही है। तो जनता को यह ख्याल रखना चाहिए कि सूबे के मुख्यमंत्री के साथ कैसे बातचीत करना है। हाँ, उत्तरा बहुगुणा की मांग सही थी, लेकिन उनके मांगने का तरीका बिल्कुल गलत था।